एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर योर क्वेश्चन नंबर 44 2020 एडिशन टीएस गरेवाल कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला हम क्वेश्चन करने वाले 44 क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा इस 44 क्वेश्चन को। फॉर्मेट रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको पूरी हेडिंग देनी पड़ेगी, बेटर है कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिएगा हेडिंग को। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेडिंग रहेगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेडिंग रहेगी, साथ में आप लिखेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आप कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं। सो ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सो फॉर्म इनके तीन एक्टिविटीज होती है, तुम्हें पता ही है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। सो हेडिंग रहेगी पर्टिकुलर्स, हेडिंग विल बी पर्टिकुलर्स, देन डिटेल्स, देन फाइनली हेडिंग विल बी अमाउंट। पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। फर्स्ट हेडिंग विल बी गिवन इन रोमन लेटर्स। सो रोमन लेटर्स में मैंने 1 लिख दिया एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख देनी है हेडिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड आप अंडरलाइन कर देंगे लिखने के बाद। सो फॉर्मेट में ऐसे ही रहेगा पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 44 क्वेश्चन टीएस गरेवाल 2020 एडिशन। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की सबसे पहली चीज होती है सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। हमेशा पहली चीज यही रहेगी सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। मीन्स आप डिफरेंस लिख देंगे। डिफरेंस देखिएगा सरप्लस में कितना है। आपको सरप्लस नीचे दिया हुआ है, यहां पे देखिए ये सरप्लस दिया हुआ है और सरप्लस है साल की शुरुआत में 2-3 लाख था और साल के अखीर में है 4 लाख। सो हम डिफरेंस कर देते हैं 4 लाख माइनस 3 लाख दैट इज 1 लाख। मीन्स नया वाला साल माइनस पुराने वाला साल करा, 2013 वाला सरप्लस माइनस 2012 वाला सरप्लस कर दिया, मेरे पास 4 लाख माइनस 3 लाख 1 लाख आ गया। 13 माइनस 12 करेंगे, याद रखना 13 माइनस 12, 2013 माइनस 2012 ऐसे करेंगे। सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के बाद आता है एड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जो कि क्वेश्चन में है नहीं तो मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। एड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अगर नहीं दिया तो, अगर पेपर में नहीं लिखते ना एड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट मैं तुम्हारे को फॉर्मेट अच्छे से लर्न हो जाए इसीलिए लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद एड होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी इस क्वेश्चन में नहीं है, तो अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वो आप लिखते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पहली प्रेफरेंस रहती है मेड की, दूसरी प्रेफरेंस रहती है लास्ट ईयर की, करंट ईयर की, करंट ईयर जो कि हमारे को कुछ भी नहीं दिया, ये भी ब्लैंक लिखेंगे। अगर आप ये नहीं भी लिखते तो भी चल जाएगा। उसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड होता है, वो भी नहीं दिया, और प्रपोज्ड डिविडेंड हमेशा हम लास्ट ईयर का लिखते हैं। प्रपोज्ड डिविडेंड लास्ट ईयर वो भी नहीं है, और कोई अगर और डिविडेंड पे हो वो भी लिख देते हैं हम। कोई भी डिविडेंड पे कराओ इसके अलावा, प्रपोज्ड डिविडेंड के अलावा, तो कोई भी डिविडेंड पेड होगा वो भी हमने यहाँ पे प्लस कर देना होता है, वो भी नहीं दिया तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया। अगर आप ये सारी चीजें ना लिखें तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास इन सभी चीजों को प्लस करके आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हम यहाँ पे लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इन सभी को प्लस माइनस करके आ रहा है 1 लाख। यहां पे मैंने 1 लाख लिख दिया। उसके बाद मैं यहां पे करूंगा एड नॉन ऑपरेटिंग, ये हेड फॉर्मेट का ही हिस्सा है।
अगली चीज होती है एड नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस, एड नॉन ऑपरेटिंग स्लैश नॉन कैश एक्सपेंस स्लैश नॉन कैश एक्सपेंस। सो इसके अंदर भी मैंने आपको चीजें बताई हुई हैं जो आपको लर्न करनी है, गुडविल रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखो ऐसी कोई चीज है क्वेश्चन में? सो ऐसी कोई चीज नहीं है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंस भी नहीं है। गुडविल रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन, पेटेंट रिटर्न ऑफ, यहाँ पे ये चीजें आती हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये चीजें यहाँ पे आती हैं बेसिकली। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन POR, मैंने POR लिख दिया। अब ये चीजों के बाद हम लेस क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और क्वेश्चन में मेरे को कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी नजर नहीं आ रही है। एक यहाँ पे POR के अलावा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी होता है, वो भी लिख देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। फिर लेस होता है हमारे पास ये कोई चीज नहीं है, मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, और फिर लेस कर देंगे यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आती है इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मैं आपको बोल रहा हूँ हमारे पास सबसे पहले नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आता है, इंटरेस्ट इनकम जो कि है नहीं, ना डिविडेंड इनकम दी हुई है क्वेश्चन में, ना ही रेंटल इनकम दी है। इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, इसको ब्लैंक कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक। उसके बाद हमारे पास आता है इसको सारा कुछ प्लस, 1,00,000 में से ये सारा कुछ प्लस माइनस करने के बाद, ये चीजें प्लस और ये माइनस करने के बाद, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सो 1,00,000 ही आ गया हमारे पास, 1,00,000, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे हेडिंग के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर इसमें हम करते हैं एड डाइल लेस डलिया, याद रखिए इसके अंदर हम करेंगे एड डाइल। डाइल की आपको फुल फॉर्म पता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। सो आपको डाइल की फुल फॉर्म एड डाइल, डिक्रीज इन करंट एसेट्स कॉमा इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, एड डाइल लेस दलिया। थोड़ी सी जगह 3-4 लाइन छोड़ के लेस करेंगे दलिया, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट, दलिया की फुल फॉर्म है, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज कॉमा इंक्रीज इन करंट एसेट्स। तो आपको पूरी पेपर में फुल फॉर्म लिखनी है, डाइल दलिया नहीं लिखेंगे। और आपको जरा ध्यान से देखिएगा, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल क्या कर रहे हैं, 48,000 से 40,000 हो गए हैं, मींस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी में आपको क्वेश्चन में ट्रेड पेबल नजर आ रहा है, तो ट्रेड पेबल 48,000 साल की शुरुआत में से साल के आखिर में 40,000 के हो गए, 8,000 से कम हो रहे हैं। तो मैं यानी डिक्रीज इन दलिया में लिखूंगा ट्रेड पेबल, यहाँ पे माइनस ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितना हो गया 8,000, डिफरेंस लिख देंगे 8,000, 48,000 माइनस 40,000 दैट इज 8,000, और यहाँ पे माइनस में होगा बेसिकली, क्योंकि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होता है, 2013 माइनस 12, तो 13 में कितना है हमारे पास 40,000, 12 में कितना है 48,000, तो इसीलिए मेरे पास यहाँ पे 8,000 हुआ।
कम हो गया इसलिए माइनस करा, या फिर ऐसे ही याद रख लीजिएगा डिक्रीज इन डिफरेंस करना है और तुम्हारे ट्रेड पेबल कम हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे डिक्रीज इन लाइबिलिटी में गया, और आपको यहाँ पे पता है लेस होता है डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, तो ट्रेड पेबल मेरा माइनस 8,000 हो गया। उसके बाद करंट एसेट्स की तरफ देखिएगा, करंट एसेट्स हम सारे देखते हैं, सिर्फ आप करंट एसेट्स कौन से नहीं देखते वो याद रखिएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, याद रखिएगा। डायल दलिया में सारे करंट एसेट्स आते हैं, करंट एसेट्स में से तीन चीजें नहीं आती हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देन उसके बाद दूसरी चीज करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरी चीज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। करंट लाइबिलिटी से भी सारी चीजें आती हैं इसमें, क्या कहते हैं हमारे डायल दलिया में, सिर्फ दो चीजें नहीं आती, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, याद रखिएगा ये दो चीजें हमारी डायल दलिया में नहीं आती करंट लाइबिलिटी में से, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिएगा, हमारे पास इस क्वेश्चन में इन्वेंटरीज है, करंट इन्वेस्टमेंट्स तो लिखनी नहीं है क्योंकि हम करंट एसेट्स में से करंट इन्वेस्टमेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं लेते हैं। तो क्वेश्चन में इन्वेंटरीज हमारी साल की शुरुआत में 82,000 की थी, फिर बाद में 76,000 की हो गई है, इन्वेंटरीज कम हुई है, मींस डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स यहां पे ऐड होंगे, हम क्या लिख देंगे इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज लिखेंगे वहां, यहाँ पे हम इन्वेंटरीज लिख देंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज कितनी कम हो रही है हमारे पास 6,000 से कम हो रही है, देखो सो 6,000 से कम हो रही है, यहाँ पे 6,000 लिख दिया, और डाइल तुम्हारा प्लस होता है इसलिए यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे 6,000 आ गया। फिर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल भी तुम्हारे कम हो रहे हैं, सो कम हो रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल, मीन्स डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो वो भी डायल में जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स देखिए कितने कम हो रहे हैं हमारे पास, ट्रेड रिसीवेबल्स 92 से 38 हो गए हैं, 92 माइनस 38 कर देंगे, हमारे पास आ रहा है 12 माइनस 8 4, देन 8 माइनस 3 54,000, तो मेरे पास यहाँ पे 54,000 आ जाएगा, यहाँ पे मैंने 54,000 लिख दिए। अब हमारे सारे करंट एसेट्स भी हो गए, करंट लाइबिलिटीज भी हो गई है, फिर डायल दलिया वाला सीन के बाद 1,00,000 में से ये दोनों चीजें प्लस और ये माइनस करके जो आएगा उसे कहते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 1,00,000 प्लस 6,000 प्लस 54,000 मींस 1,60,000, 1,60,000 चौसी 8,000 माइनस कर देंगे, 1,60,000 माइनस 8,000 इज 1,52,000, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसे 1,50,000 को हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हम क्या करते हैं लास्ट में, यहां पे लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स ब्रैकेट में पेड स्लैश लास्ट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया, ऐसे यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। अब 1,52,000 माइनस प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी 1,52,000 माइनस जीरो इज 1,52,000, तुम्हारा आंसर प्लस में आ रहा है, जो उनका फाइनल आंसर आता है वो अमाउंट में लिखते हैं, ऑपरेटिंग का ये फाइनल आंसर है 1,52,000, वो हम अमाउंट में लिखते हैं, उसको डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, और आंसर प्लस में आ रहा है तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि तुम्हारा आंसर ये प्लस में आ रहा है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अगर ये माइनस में आया होता तो तुम लिखते कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि तुम्हारा आंसर प्लस में आया। अब हम अगला एक्टिविटी करेंगे इन्वेस्टिंग, इसी क्वेश्चन का अगला, यानी आपको पेपर में इसी के नीचे टू बी कंटिन्यूड करना, बट बोर्ड इतना बड़ा नहीं कि मैं इसके नीचे टू बी कंटिन्यूड करूं, तो मैं दूसरी बोर्ड की तरफ कर रहा हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को। सो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म हो गई है हमारी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर 1,52,000 कैश फ्लो प्लस में आया तो इसलिए मैंने इसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखा है। अब हम अगली एक्टिविटी करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसी क्वेश्चन की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप रोमन लेटर टू लिखेंगे, यहाँ पे रोमन लेटर टू, और यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर है,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और यहाँ पे एक कॉलम हो गया डिटेल्स वाला, दूसरा कॉलम हो गया अमाउंट वाला। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे हैं अब हम, नाउ वी आर डूइंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये डिटेल्स हो गया यहाँ पे, और फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा अमाउंट, डिटेल्स एंड अमाउंट। अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सारा डाटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सारा डाटा हमारे पास आता है नॉन करंट एसेट से। याद रखिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सारा डाटा हमारे पास नॉन करंट एसेट से आएगा। आप जरा अपनी बुक में नॉन करंट एसेट की पहले देखिए, टेंजेबल एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स हमारे क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, मींस हमने खरीदे हैं, बढ़ रहे हैं, 5,60,000 से 8,50,000 हो गए, मींस हमने खरीदे हैं। एसेट्स खरीदने नाल पैसा जांदा है, इसलिए सी माइनस कर देता, याद रखना। तो अड़े टेंजेबल एसेट्स बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन से देखो टेंजेबल एसेट्स 5,60,000, तो तुसी अपने बुक से देखना 5,60,000 चो 8,50,000 हो गए, बुक से ध्यान नाल देखना, टेंजेबल एसेट्स 5,60,000 तो 8,50,000 हो गए, मीन्स साडे टेंजेबल एसेट्स बढ़ रहे हैं, मीन्स असी समान टेंजेबल एसेट्स की करे खरीदे है, खरीदने नाल पैसा की आंदा है, जांदा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, पैसा आएगा तो प्लस, जे पैसा जाएगा तो असी माइनस करांगे। सो असी की करांगे थे, परचेज ऑफ टेंजेबल एसेट्स, परचेज ऑफ टेंजेबल एसेट्स माइनस करांगे क्योंकि खरीदने नाल पैसा जा रहा है, परचेज ऑफ टेंजेबल एसेट्स। सो असी डिफरेंस लिख देवांगे इत्थे, सो 290 साडा डिफरेंस आ गया, असी 8,50,000 माइनस 5,60,000 कर दिता। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी साडी वध रही है, मीनस असी खरीदियां ने, नॉन करंट एसेट्स ही आ रही है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी साडी वध रही है, असी की लिखांगे परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ए माइनस लिख के थे ब्रैकेट्स पाती है क्योंकि माइनस थे, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, एनसीआई लिखा पर तुसी पेपर पूरा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स लिखना। सो साडी किन्नियां नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वध रही ने, 72,000, मैं इत्थे 72,000 लिख दिता माइनस च क्योंकि असी खरीदियां, जे घटियां होंदियां मीन तुसी वेचियां होंदियां, वेच के तुहाडे कोल की आना सी पैसा, आना सी तां तुसी प्लस लिख देना सी, इन्हां दोनों दा माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस, मीनस मेरे कोल की आ गया इत्थे 3,62,000 तुहाडा माइनस च आ गया, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਨੈਟ ਕੈਸ਼ ਯੂਜ਼ਡ, ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਫਰੋਮ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਔਰ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਫਰੋਮ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਇਨ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, That is financing activities. Third activity साडे कोल financing activity है। Financing activity ऐसी heading लिख देवांगे। जिदा साडा investing activity दा सारा कुछ कित्थों आंदा, non-current assets चो, financing activity दा सारा कुछ आंदा साडे कोल shareholder fund तो ते non-current liability। इंदा सारा data shareholder fund ते non-current liability चो आंदा। याद रखना, सारा data shareholder fund एनसीएल नॉन करंट लाइबिलिटी। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सारा डाटा शेयर होल्डर फंड नॉन करंट, शेयर होल्डर फंड देखो शेयर कैपिटल, साल की शुरुआत देखो तो क्वेश्चन 6,00,000 सीगा, फिर 8,00,000 हो गया साल के अखीर जाते जाते, 12 के 6,00,000 सी, 13 च 8,00,000 हो गया, मीनस तुहाडे शेयर्स वधे आ, मीनस जनता नू कंपनी ने शेयर इशू करे, जनता ने जनता नू शेयर इशू करे, मीनस कंपनी कोल पैसा आया, असी लिखांगे इशू ऑफ शेयर, शेयर वध रहे हैं ना कंपनी दे, मींस कंपनी ने जनता नू शेयर इशू करे, मींस जनता नू शेयर इशू करे, मींस जनता तो पैसा आया कंपनी कोल क्योंकि जनता ने पैसे दिते होंगे कंपनी नू, ताई की कहंदे शेयर इशू होए, इशू ऑफ शेयर्स असी प्लस कर देवांगे क्योंकि कंपनी कोल पैसा आ रहा है 2,00,000 रुपए शेयर्स इशू करके, जे कटे होंदे शेयर्स तां असी लिखदे बायबैक ऑफ शेयर्स माइनस करना सी, मींस कंपनी ने अपने शेयर्स वापस ले ले होने सी, फिर असी इत्थे माइनस दा साइन पा देना सी। उस तो बाद शेयर कैपिटल, तो बाद शेयर कैपिटल इतने हो गया नॉन डिजर्व सरप्लस, आप लिख चुके हैं पहले ही सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो दसिया आंदा की है फाइनेंसिंग एक्टिविटी शेयर होल्डर फंड चो, शेयर कैपिटल वाली चीज़ा ते नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज तो लॉन्ग टर्म बोरविंग नजर आ रही है, लॉन्ग टर्म बोरविंग साल की शुरुआत 1,50,000 की सी, साल के अखीर च कि हो गई 1,00,000 की,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग मीन्स जिदा बैंक लोन वगैरह, कर्जा उतारिया 1.5 लाख तो 1 लाख रुपया हो गया, कर्जा लाया है किसी का, यानी असी साल की शुरुआत करजा साढ़े को 1.5 लाख से, साल के अखीर कि हो गया 1 लाख का, मीन असं कर्जा कि लाया 50,000 का, असं की लिखांगे माइनस, पैसा जा रहा कंपनी को, पेमेंट ऑफ की लिखांगे लोंग टर्म बोरोइंग, कर्जा लाया असी, सो माइनस पेमेंट ऑफ लोंग टर्म बोरोइंग, कर्जा असी कि लाया 50,000 के न, असी इतने लिख देवे ब्रैकेट्स 50,000, सो 2 लाख माइनस 50,000 इज वॉट 1.5 लाख, असी 1,50,000 लिख देवे, ये साडा आंसर प्लस च आ रहा, इसलिए असी इनू की लिखिया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जे माइनस च आया होंदा असी लिखते कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फ्रॉम फाइनेंसिंग, देखो कोई पॉइंट रहता नहीं क्या साडे कोल, कोई पॉइंट नहीं रहा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सो अपने को आ गया, हुन इस तो बाद असी की करना है, पहला आंसर प्लस दूजा आंसर प्लस तीजा आंसर, मीन्स पहला आंसर प्लस दूजा आंसर प्लस तीजा आंसर, पहले पार्ट वाला आंसर प्लस दूजे पार्ट वाला आंसर प्लस तीजे पार्ट वाला आंसर, तुसी देखना की आंदा, पहले पार्ट वाला आंसर 1,52,000 सीगा, दूजे पार्ट वाला आंसर सीगा -3,62,000, -3,62,000, तीजे पार्ट का आंसर की सीगा देखो बच्चो 1,52,000, हुन इन्हां नूं प्लस करके आ रहा 3 लाख, साढ़े को 3 लाख, 3,02,000, 3,02,000 -3,62,000, 362 -3,02, साढ़े को आ रहा 60,000, वह भी माइनस दे विच, साढ़ा 60,000 माइनस च आया, साढ़ा 60,000 माइनस च आया, तो असी की लिखांगे इतने साढ़ा 60,000 माइनस है, इतने ब्रैकेट्स पाया, पहला दूजा तीजा सी तिना दे आंसर प्लस करना, साडा माइनस चाह रहे 62,000, 60,000 साडा माइनस चाह, तो असी लिखांगे नैट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जे प्लस चाह होंदा तो असी लिखदे नैट इनक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हुन असी लिखांगे नैट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सो नैट इनक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्दे विच असी करीदा की है ओपनिंग प्लस जिहड़ा भी नैट इनक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया, इन्दे च असी ओपनिंग बैलेंस प्लस करीदा है कैश कैश इक्विवेलेंट दा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट होर की चीज प्लस करीदी है, प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, होर असी तीजी चीज प्लस करी दी है ओपनिंग बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, जेड़ा भी तुहाडा नेट इनक्रीज डिक्रीज आया उन्दे चा तीन चीजा प्लस करी दी है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आ तीन चीजा प्लस करनी, तुहानू क्वेश्चन च देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दा साल दी शुरुआत च किन्ना बैलेंस दित्ता सी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दा सानू साल दी शुरुआत च 70,000 दित्ता सीगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दा सानू साल दी शुरुआत च 70,000 दित्ता सी, मैं 70 लिख दित्ता, करंट इन्वेस्टमेंट दा तुहानू साल दी शुरुआत च किन्ना दित्ता है 1,34,000, 1,34,000 मार्केटेबल सिक्योरिटीज दित्तियां नहीं, सो हुण इन्हां नूं सॉल्व करके देखदे हां साडे कोल की आ रहा है, 1,34,000 प्लस 70,000 साडे कोल आ गया 2,4, 2,4 माइनस 60, 2,04,000 माइनस 60,000 दैट इज 44,000, सो 1,44,000 मेरे कोल 1,44,000 आया इत्थे प्लस च आया 1,44,000, इनू असी कहांगे क्लोजिंग बैलेंस, जेड़ा भी तुहाडा आंसर है तुहानू पता चलेगा सही करिया कि गलत, ये तुहाडा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट इन्वेस्टमेंट ते मार्केटेबल सिक्योरिटी नाल मैच करना चाहिए, सो साडे कोल क्लोजिंग मैच कर रहा है, सो असी की लिखांगे साडे कोल आया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखांगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखो तुहाडे कोल बैलेंस शीट दे विच क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किन्ना दित्ता है 94,000,
बच्चे सोचते 94,000 है, नाल करंट इन्वेस्टमेंट का भी क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना दिता 50,000, 94,000 प्लस 50,000 144, देखो साडा 144 आया। बैलेंस शीट से पता चल गया कि असी सही करे कि गलत करे। क्वेश्चन खत्म हो गया, दैट्स इट।